इंस्टीट्यूशन से एक बहुत अच्छा फंक्शन अरेंज किया गया है, जिसमें औरतों की एक अभिवृद्धि, एक फलाह और बहबूदी की जिम्मेदारी से यहाँ के चेयरमैन मुख्तियार साहब और उनकी एक टीम ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसके साथ साथ एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए है, हर एक कौम के औरतों के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम सब कर रहे हैं। और इससे हम यहाँ पर जब जो बच्चे यहाँ पर तालीम पाए हुए हैं, उन्होंने जो ज़ेर ख़यालात इजहार किए, वो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ज़रूर एक अच्छा सा बदलाव आ सकता है। औकाफ़ के मातहत दीगर 29 पर 5000 इदारे हैं, जो इदारे बड़े बड़े इदारे हैं वो ज़रूर ऐसी एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो पूरे औकाफ़ के इदारों को वक्फ एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन के बारे में अभी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको हम इंफॉर्मेशन देने के लिए हाल ही में कर्नाटका वक्फ बोर्ड से एक ट्रेनिंग सेंटर का भी ईजाद हुआ है। उस ट्रेनिंग सेंटर से हम सबको ये इंफॉर्मेशन और ये उनको एक नॉलेज हम उनको पूरा मुहैया करेंगे, जिसकी वजह से ऐसे सब इदारे भी बड़े बड़े इदारे जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है वो ऐसे काम कर सकते हैं। सर वक्फ की जानिब ट्रेनिंग सेंटर का ईजाद हुआ है, जिसमें वक्फ इदारों के सारे मेंबर्स और मुतवलियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके साथ साथ वक्फ में जो काम करते हैं उनको भी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। जब हम वक्फ एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जब हम इंफॉर्मेशन सबको मुहैया करेंगे, जब वो नॉलेजेबल बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि जो यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, कई इदारों में गलत काम भी हो रहे हैं, वो भी कम हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो उसके लिए इसका कानून तरीके से हम उसका काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अब आने वाली नस्ल, अब जो भी आगे होगा वो इंशाल्लाह सही होगा, और जो भी हो चुका है उसको भी हम सही करने की ज़रूर बज़रूर कोशिश करेंगे। शादी महल से हर साल जो है बच्चों को सर्टिफिकेट अवार्ड से नवाजा जाता है, जब से मेरी ज़िम्मेदारी थी उनसे और जनाब यूसुफ साहब मुझे ज़िम्मेदारी दिए थे और हमारे शुजाउद्दीन साहब मेरे साथ रहे कदम कदम पर, तो मैं 1951 में इसका फाउंडेशन रखा गया, एक खंडर बना दिया गया था, आज अल्लाह का एहसान है, इसे अल्लाह का एहसान है कि आज इस बैतुल माल से तकरीबन 1000 बच्चे ट्रेनिंग लेकर गए हैं, जिसमें कंप्यूटर्स है, टेलरिंग है वगैरह वगैरह। तो हमारे ख्यालात भी ऐसे हैं, हमारे शुजा साहब के भी ख्यालात ऐसे हैं कि इस बैतुल माल से हमारे कौम के बच्चे और दूसरी कौम के बच्चे तरक्की में हैं। बैतुल माल में सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम लड़कियां भी ज़्यादा हैं, बराबर हैं 50-50%, वो बराबर जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं। मैं आने वाले कमेटी और भी कोई आने वाले लोग होते हैं तो मैं उनसे भी आगे जाना दरख्वास्त करता हूँ कि इसे जो है तरक्की पर लेकर जाए, वो बच्चे जो है तरक्की हो जाए हमारे कौम की, हमारे ख्याल ऐसे हैं। दूसरी बात यह है कि अवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने घरों में जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर भेजकर ट्रेनिंग दी जाए, आने वाले दिनों में एक मुस्तकबिल उनका तैयार हो जाए, लड़कियों का माहौल है। और आजकल जो हालात ऐसे हैं हिंदुस्तान के, जहाँ पर जो है चारों तरफ जो है परेशानी, क्या क्या चीज़ों की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर जो है? टेलरिंग इंस्टीट्यूट चल रही है, कंप्यूटर क्लासेस चल रही है, इंशाल्लाह आइंदा चलकर जो है वो कुक जो केक वगैरह बनाते हैं उसकी भी इंशाल्लाह कोशिश करें, और ऊपर जो है उर्दू हाल आ रहा है जो शायरों को कम कीमत में दिया जाए और उर्दू तरक्की के लिए उर्दू दानों को भी जो है वो हाल
बिल्कुल रीज़नेबल कीमत में दिया जाए उसकी कोशिश चल रही है। आज के जो बच्चे 150 बच्चे की जो है तादाद बाहर जा रही है, उसमें चंद बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया है, चंद बच्चों को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड्स भी दिया गया है। पूरों को दे नहीं सकते ना, मेहमान अपना वक्त छोड़ कर जो आए हैं, इसीलिए अब जो है अब मैं जाकर दे रहा हूँ पूरे बच्चों को इंशाल्लाह मुस्तकबिल के फ्यूचर प्लान। और उर्दू दान को जो है बैठ कर उर्दू प्रोग्राम होगा, शिवाजी नगर में ऐसा हाल नहीं है जो मुशायरे कर सकें, हमें तो दूर दूर जाना पड़ता है, अम्बेडकर भवन जिसकी कीमत लाखों रुपए है, इसलिए यहाँ पर मुनासिब कीमत जो करंट का ये होता है पानी, बस उतने ही में उर्दू हाल का इंशाल्लाह मामला है। और मुझे तो कचरे का कौन उठा है क्या है वो भी मालूम नहीं है। जनाब अरशद साहब आने के बाद बहुत अच्छा क्लीन भी हो गया है, गेट भी खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कमेटी वहाँ जाए, जो वक्फ बोर्ड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इदारे हैं वहाँ के ज़िम्मेदारों की एक ज़िम्मेदारी होती है, वहाँ के अलग अलग ज़िम्मेदारों के अलग अलग ख्याल हैं। भाई जहाँ तक मुख्तियार भाई को इस इदारे से काम करते हैं वो देखा है, बहुत खुशी हुई है मुझे, मैं इनको बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में। चूँकि आप जानते हैं पहले जो ज़माने में एक सिर्फ घर का बड़ा जो हेड ऑफ़ दी फैमिली रहता था, उसी की कमाई से पूरा घर चलता था, उसी की कमाई से स्कूल फीस, घर का किराया, लाइट की बिल, पानी की बिल सब मुतमईन तरीके से हो जाती, यहाँ तक भी बचत भी होता था। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, मॉडर्न ज़माना आ गया, महंगाई बढ़ गई, तो घर के एक फर्द की कमाई पर घर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में मुख्तार साहब और उनके जो साथी थे, हम लोग सोच कर ये बहुत अच्छी एक कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। यहाँ से जो भी बच्चे पढ़कर जा रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद ही की कमाई पर हो वो जीना सीखते हैं। तो यहाँ टेलरिंग सीख कर जाएंगे तो टेलरिंग शुरू करेंगे, कंप्यूटर बेसिक सीख कर जाएंगे तो वहाँ कोर्सेस करेंगे, उनको भी एक इनकम का सोर्स बन जाएगा। बहुत लोग यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम करके निकले हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ दूसरे इदारे भी जाकर हूँ, वहाँ भी ऐसे इकदाम चल रहे हैं। आप देख रहे हैं टैनी रोड का जो ईदगाह है, टैनी रोड का जो खदीम ईदगाह है, वहाँ भी ये काम चल रहा है, वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से फैशन डिज़ाइनिंग या कंप्यूटर सिस्टम, ऐसे बहुत से जगह चल रहे हैं जहाँ उनको जगह की सहूलत है वो करते हैं, जहाँ जगह की सहूलत नहीं है वो कोशिश करते हैं कि कहीं दूसरे चीज़ों से उन लोगों को मुख्तलिफ हमारी कौम को फ़ायदा पहुँचे, जैसे कि मेडिकल एड देते हैं, बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस देते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। टाइपिंग, एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, टैली, फोटोशॉप, जो नया वर्जन, हर बार नया वर्जन सर बोलते हैं करके हम हर बार नया वर्जन लेते हैं, और कोरल ड्रॉ इतना सिखाते हैं जो आगे चल के लड़कियों को बहुत सारा मदद इसमें मदद मिलती है। तो ये हमारे आफरीन हैं जो कंप्यूटर और टेलरिंग की एक्सेलेंट स्टूडेंट हैं, उनको कंप्यूटर में भी फर्स्ट प्राइज़ मिला है और माशाल्लाह इनको और टेलरिंग में भी फर्स्ट प्राइज़ मिला है। इसमें हम लड़कियों को इतना इम्प्रूव करते हैं कि जाके सामने इन अपने आप से अपने आप को साबित कर सकें, जिसमें ये इंटरव्यू में एमएस वर्ड का पूरा नॉलेज, इनको बेसिक नॉलेज देते हैं, जो भी रह सके, रेज्यूमे में आईडी कार्ड बनाना, लाइक सर्टिफिकेट बनाना, और एक्सेल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी फार्मूलाज हैं उसमें बहुत सारी मदद करते हैं, और प्रेजेंटेशन, जैसे कि हर एक लड़की को स्टेज फियर होता है, तो यहाँ पे हमारे लड़कियों को हम स्टेज फियर निकालने के लिए स्टेज पे बुलाते हैं, फाइल मेंटेन कराते हैं, और वो लड़कियों को स्टेज पे बुला के बोलने कराते हैं कि ये क्या बनाया हुआ है, जिससे लड़कियों का स्टेज फियर निकल सके। और फिर फोटोशॉप, जिससे डिज़ाइनिंग की जा सकती है। मुझे ये अवार्ड मिला बेस्ट स्टूडेंट के लिए, ये मेरा पहला नहीं दूसरा अवार्ड है IBM इंस्टीट्यूशन के लिए, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन ने मुझे बहुत काबिल बनाया, मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ ये भी हासिल की है। मैं बहुत खुशगुजार हूँ मुख्तियार सर का, जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी फेवरेट स्टूडेंट माना है और हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैं यही दुआ करूँगी कि ये इंस्टीट्यूट हमेशा आगे चले और बहुत कुछ हासिल करें। मेरा नाम सानिया, मैं यहाँ पे कंप्यूटर के साथ साथ इस्लामिक बैतुल महल में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर रही हूँ। मुझे मेरी फ्रेंड आके बोला कि यहाँ पे कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे आके ज्वाइन हुई। SLC ख़त्म होके मैं घर में ही थी, तो लॉकडाउन की वजह से सभी ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा था, तो ऐसे कोर्स सीख के रखे तो आगे फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है।
सबसे पहले मैं यहाँ के मुख्तिया सर और यहाँ के उस्तादों और यहाँ के मेंबर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ननगे इल्ली टेलरिंग कोर्स मत्तु कंप्यूटर कोर्स आगता फ्रीगिंद आगता इदे अंत नन फ्रेंड हेळिद्लु। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಹುಡುಗರ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಮೈ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಮೈ ಹಾ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ ಚುಕಿ ಹೂ. यहाँ पर बहुत अच्छा सिखाती हैं, यहाँ के मैम बहुत हेल्पलेस एज अ टीचर्स ने एज अ फ्रेंड बनकर सिखाती हैं सब. और बहुत काम यहाँ आके मैं यहाँ बाहर जब सीखो थी वहाँ पैसे लेते थे. जब मेरे फ्रेंड बोले यहाँ पर फ्री कोचिंग कर रही तो मैं यहाँ आई तो बहुत फ्री कोचिंग करे. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुए यहाँ. और इस्लाम और मज़हब के तरीके से यहाँ सिखाती हैं. कोई आयर गैर नहीं आ सकता यहाँ पर. माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाती है. मैं यहाँ पे टेलरिंग कोर्स करती हूँ. यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाती, अच्छा मैं जो डाउट्स है वो सब क्लियर करती. और कंप्यूटर कोर्स भी है. मैं वहाँ इंशाल्लाह वहाँ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बाद वहाँ जाने का सोच ले को हूँ. तो ये सब जो कर रही हैं मुख्तियार अहमद साहब बहुत अच्छा कर रही. और लड़कियों के लिए ये सही अपॉर्चुनिटी है एक एक अपने आप को साबित करने के लिए, अब हमारा हुनर साबित करने के लिए यहाँ बहुत अच्छा है. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उम्मे ज़ारा है. मैं टेलरिंग कोर्स को कर लेखूँ. हमारे यहाँ बहुत अच्छा टेलरिंग क्लासेस लेती हैं. हमारे टीचर भी बहुत अच्छे सिखाती हैं. हर एक चीज़ में हमने इम्पोर्टेंस देती हैं. हमने क्या भी ऊपर नीचे नहीं समझते.